सरकार ने नमामि गंगा योजना भी लॉन्च किया हुआ, पखवाड़ा भी चल रहा है, ताकि इस तरह की गंगा सफाई क्यों करना पड़ा होगा? देखिए, उनका जो कार्यक्रम है नमामि गंगे का, वह कागज का कार्यक्रम है, और हमारा जो कार्यक्रम है वो यथार्थ का कार्यक्रम है या भौतिक कार्यक्रम है जिसे आप देख रहे हैं। यदि नमामि गंगे का कोई असर होता तो यह एक दर्जन नाले गाजीपुर में लगातार उनका गंदा पानी, यूं कह लिया जाए कि जलमल युक्त पानी सीधे सीधे गंगा में जाता है। अगर 3 साल में उनको एक नाले के पानी को शुद्धिकरण का उन्होंने कोई संयंत्र नहीं लगाया, अगर केवल जाली लगा देते तो पॉलीथीन और अन्य अपशिष्ट पदार्थ नहीं आते। हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम यह कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार ने गंगा निर्मलीकरण पखवाड़ा शुरू किया है, जो कल से शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है। कल भी हम लोगों ने कुछ किया था, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। ठीक है, भारत सरकार ने अगर इस तरह का आयोजन किया है तो हम भी उसमें नागरिक कर्तव्य इस तरह का कार्य कर का जो है आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम केवल सरकार को दोषी नहीं देना चाहते। कोबड़ छोट कहत अपराधो, मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है किसको छोटा अपराधी कहा जाए, किसको बड़ा अपराधी कहा जाए। सबसे बड़ा अपराधी तो यहाँ का नगर पालिका परिषद है। अगर जो भौतिक सर्वेक्षण किया गया है उसके अनुसार लगभग 5,000 परिवारों का जलमल, उन लोगों ने टैंक नहीं बनाया है शौचालय में, सीधे उनके शौचालय का जलमल आता है नाली में, नाली कनेक्ट है नाले से और नाला आता है गंगा में। इस तरह से एक दर्जन नालों से सीधे सीधे लोगों का जलमल आता है। दुबे जी, जैसा कि नमामि गंगे पखवाड़ा चल रहा है और आपने गंगा सफाई भी किया, ऐसे में जो यहाँ के आम नागरिक हैं उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में वो क्या करें? देखिए, हम लोगों ने उनसे भी मना किया है, जो लोग साबुन लगा के नहा रहे हैं उससे भी परहेज करना चाहिए, और फूल माला भी NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रथम चरण के आदेश में यह कहा है कि हरिद्वार से लेकर के कानपुर तक कहीं कोई फूल माला गंगा में विसर्जित नहीं किया जाएगा। लेकिन वाराणसी में पिछले दिनों जापान के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी ने फूल माला उसमें गंगा में प्रवाहित किया था। हमने उस पर लिखा था उनको, आपने ऐसा क्यों किया? क्या भारत का प्रधानमंत्री इस बात का इंतजार करेगा कि NGT ने आदेश जो पारित किया है वो अभी कानपुर तक है, वाराणसी में तो नहीं है? इस बात का वरिष्ठ नागरिक और जो जिंदा लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, वो लोग इंतजार नहीं कर सकते। बहरहाल, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। यहाँ के सांसद मनोज सिन्हा जी हैं जो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, गंगा का पानी ऑक्सीजन लेस हो गया है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, इसके जल जीव जो हैं लगातार वह जो अटखेलियाँ करते हैं वह खत्म हो रहा है। कई जगह कई बार तो गंगा का पानी इतना प्रदूषित हुआ कि मछलियाँ मर गई, इसके जल जीव मर गए, बैक्टीरियोफेज जो इस तरह का विषाणु है जो गंगा के पानी को शुद्ध करता है वह भी खत्म हो गया। ऐसे में जो 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके पश्चिम बंगाल में जा करके मिलती हैं, उत्तरांचल से निकलती हैं गंगा, उत्तर प्रदेश के लिए झारखंड बिहार को जोड़ते हुए जाती है, वह गंगा घुट घुट करके मर रही है। लगभग 30 करोड़ आबादी सीधे सीधे गंगा पर आधारित है, चाहे वह मत्स्य पालन का हो, नाविक लोग हों, इससे तमाम तरह के रोजगार हों, पूजा पाठ से लेकर के इस तरह से। गंगा जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन देश नहीं रहेगा। और किसान मिलेगा